एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के बाद से ही चारों आरोपियों को जो है पुलिस रिमांड में रखा गया था। पुलिस रिमांड के दरमियान एक आरोपी जिसे मुख्य आरोपी के तौर पर माना जा रहा था, जिसका नाम अनुज थापन है, उसने आज खुदकुशी कर खुद की हत्या कर ली है। ऐसे में एक और अब तक अनुज थापन के पोस्टमार्टम न होने को लेकर जो है उनके वकीलों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अब तक जो है अनुज थापन और साथ ही जो बाकी के तीन आरोपी हैं उन पर कहीं ना कहीं इसे आत्महत्या का नहीं बल्कि अनुज थापन की हत्या की गई है, ऐसा इनका कहना है। और बाकी के तीन आरोपियों पर भी जो है अब खतरा मंडरा रहा है, ऐसा इनके वकीलों का कहना है। हमारे साथ अनुज थापन के नहीं बल्कि जो चारों आरोपी हैं उनके मकोका कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए जो वकील अलॉट किए गए थे वो हमारे साथ बात करने के लिए हैं सुनील मिश्रा जी, अमित मिश्रा जी और सुनील मिश्रा जी। अमित जी, क्या बोलेंगे अब जब मृत्यु हो चुकी है, उसे आत्महत्या करार कर दिया गया है, आप लोग की ओर से क्या मांग? देखिए, हिरासत में मृत्यु जो हुई है और जैसा कि चारों आरोपियों ने मकोका कोर्ट में प्रोड्यूस करते समय उन्होंने डर और आशंका व्यक्त किया था कि जो पीड़ित पक्षकार है, जो अभिनेता हैं, वो एक प्रभावशाली हैं, वो अपने प्रभाव का प्रयोग करके पुलिस के माध्यम से उनका उत्पीड़न करा रहे हैं, पुलिस के द्वारा उनका उत्पीड़न करा रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ से जुडिशियल कस्टडी के लिए भी कोर्ट में कंसर्न कोर्ट में प्रेयर किया गया था। और उनके ऐसे डर और आशंका के बाद 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि एक आरोप एक्यूज नंबर 4 का जो है पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गया, अस्वाभाविक निधन हुआ, जिससे कि जो है ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठता है। हम केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से न्याय हित में ये मांग कर रहे हैं कि कुछ स्तरीय समिति से जांच कराएं और संबंधित अधिकारी एवं जो है पीड़ित अभिनेता के भूमिका, संदिग्ध भूमिका की भी जांच हो। पीड़ित अभिनेता बता रहे हैं, ये सलमान खान पर जो है कई सारे आप लोग गंभीर आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस पूरी आत्महत्या, जिसे आत्महत्या बताया जा रहा है, आप लोग उसे हत्या बता रहे हैं, उसमें उनका जो है कहीं ना कहीं रोल है। आप लोग पुलिस की कार्य प्रणालीशाली पर जो है सवाल उठा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ, किन तथ्यों पर आप लोग ये कह रहे हैं? यह एक हाई प्रोफाइल केस है और पुलिस की जांच प्रणाली पे, चूँकि यह 48 घंटे में ही एक्यूज का जो कोर्ट में उसका डर था और जो उन्होंने व्यक्त किया था और वो पुलिस कस्टडी में सच साबित हुआ, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता चला। तो हम यही चाहते हैं कि देश की एजेंसी, चाहे वो CBI हो या NIA हो, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हो और इस मामले की बड़ी गंभीरता से जांच हो। पूरे मामले को अब CID को जो है ऑलरेडी सौंप दिया गया है, स्टेट CID इसकी जांच कर रही है, तो उसको लेकर आप लोगों को नहीं लगता कि अब जो एक तरफ मुंबई पुलिस ने अपना काम किया था और अब स्टेट लूपहोल लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसका हाईकोर्ट में रीट फाइल करेंगे, रीट पिटीशन। उसमें हमारा प्रेयर होगा ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड प्रॉपरली और उसमें ऑफिसर डिसेंट और उसका रेपुटेशन और उसको ऐसा इन्वेस्टिगेशन में वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेटेड ऑफिसर चाहिए, वो हमारी गठन के हम लोग प्रेयर में डालेंगे। और इसमें जहाँ तक हम लोग CBI की मांग करेंगे, क्योंकि सेंट्रल अगर इन्वेस्टिगेशन करती कोई भी चीज़ का वो प्रॉपर करती है और टिल दैट टाइम ऑफिसर उसमें सस्पेंड होना चाहिए जिसने ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। लेकिन इससे अब तक जो है आत्महत्या बता दिया गया है कि ये आत्महत्या है, क्योंकि रात में दी गई बेडशीट से उन्होंने अगले दिन बाथरूम में खुद को फांसी लगाई है, तो इसमें आप लोग को फाउल प्ले कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, अगर जैसा कि तथाकथित रूप से पुलिस जो है उक्त मृत्यु को आत्महत्या करार दे रही है, तो उसमें भी जांच की जानी चाहिए उच्च स्तरीय समिति के द्वारा कि आत्महत्या के लिए कहीं उकसाया तो नहीं गया, किसी अधिकारी द्वारा एक्यूज पे दबाव तो नहीं डाला गया कि आत्महत्या कर ले, क्योंकि पूरे मामले में सभी आरोपियों ने मकोका कोर्ट में ये बोला था, मकोका कोर्ट में अपने वकील को ये बोला कि जो है प्रभावित या पक्षकार पीड़ित जो है एक बड़ा अभिनेता है और वो जो है पुलिस यंत्रणा के माध्यम से अपने प्रभाव का उपयोग करके उन्हें प्रताड़ित कर रहा है, उन्हें डर है, पुलिस कस्टडी में उन्हें डर है, इसलिए उक्त मामले। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है ना सिर्फ इनके वकीलों का आरोप लगाना है बल्कि इसी के साथ जो शव है अनुज थापन का उसे ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए JJ अस्पताल, जहां पर पोस्टमार्टम कर इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो उसे सौंपी जाएगी और आगे के इस पूरे कार्य को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट CID द्वारा काम किया जाएगा, समझने के लिए कि क्या ये सच में एक आत्महत्या थी या जैसे इनके वकीलों का आरोप लगाना है कि इसमें एक फाउल प्ले है और हत्या की भी जो है यहाँ पर आशंकाएँ जताई जा रही है।
कैमरा पर्सन अरुण पेडनेकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया।